कभी भी कहना। ये मिश्री इस लायक नहीं कि तुम उसे अपनी छोटी बहन मीनू की जगह दो। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? अरे इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ छीना है क्या उसने तुमसे? उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वाली राघव ने आज जो मिश्री के साथ किया उसके लिए राघव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मिश्री को कुछ और दिन हमारे साथ रहने दो। क्या मिश्री यहाँ क्यों रहेगी माँ? यही बात मैं भी कह रही हूँ, मिश्री को यहीं रहने दो। देखो ना इतने कम समय में यानी कैसे पूरा घर संभाल लियो है? और फिर कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो शादी के कामों की तैयारी के लिए भी तो जरूरत है, है? मेरी मानो जाको यहीं रहन दो। ऐसा क्या जादू किया तुमने सबके ऊपर? तो सब लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, माने तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। माँ और दादी चाहती कि तुम यहीं रहो, आप सबको दिख नहीं रहे, यही तो चाहती है कि आप सब आपस में लड़े। इसने ऐसे भोली शरीफ बनकर आप सबको अपने वश में किया है। इसके चेहरे पे जो ये भोलापन और अपनापन दिखता है ना, ये इसका असली चेहरा नहीं है, बल्कि इसके असली चेहरे के पीछे एक धोखेबाज और मतलबी इंसान छुपा है। तो फिर ठीक है, मिश्री यहाँ नहीं रहेगी। अरे पर क्यों? राघव के इस बिहेवियर की वजह से दादी, पता नहीं तुम्हें कौन से कांटे चुभते मिश्री से, पर मैं मिश्री को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरे सामने इसकी ये हालत है, पता नहीं मेरे पीछे तुम इसको क्या क्या कहोगे। और मिश्री तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब कुछ चुपचाप सहती रहती हो। तुम्हें किस बात का डर है? तुम किससे डरती हो? किसकी परवाह है तुम्हें? ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारे पति है जो तुम ताने सुन रही हो। अगर पति है भी तो ताने क्यों सुन रही हो तुम? मिश्री बस मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम मेरे साथ चल रही हो, चलो। मानी बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। पार्वती आंटी प्लीज, आपको अगर समझाना है तो राघव को समझाइए, मुझे नहीं। चलो मिश्री। अरे